वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। लखनऊ में हुई हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर गुजरात एटीएस ने सूरत क्राइम ब्रांच की मदद से तीन लोगों को सूरत के लिंबायत इलाके से गिरफ्तार किया है। सूरत के लिंबायत क्षेत्र की पद्मावती सोसाइटी में स्थित ग्रीन व्यू नामक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर खान परिवार रहता है। खुर्शीद अहमद खान के चार बेटे हैं, जिनमें से रशीद खान और सईद खान फिलहाल कमलेश तिवारी की हत्या के सिलसिले में गुजरात एटीएस की गिरफ्त में है, जबकि खान परिवार का एक बेटा फरीद खान अपने एक दोस्त के साथ कहीं गायब है। इस बिल्डिंग के ठीक सामने जिलानी पार्क नामक बिल्डिंग में फैजान पठान रहता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिता खुर्शीद अहमद खान मीडिया के सामने आए और अपने बेटों की गिरफ्तारी को लेकर बेगुनाही की बातें की। पिता ने कहा कि उनका बड़ा बेटा फरीद पठान का कोई अता पता नहीं है। हमारे दोनों लड़कों को रात पुलिस उठा के ले गई। क्या कह के ले गई, क्या कुछ बात? हमसे कुछ नहीं कहा। एक लड़का सामने रहता है, वो उनके साथ आया था, उसने आके आवाज़ दी, बच्चे बाहर आए, वो लेके चले गए। क्या नाम है आपके लड़कों का, क्या करते हैं? एक का नाम रशीद है, एक का नाम सईद। क्या काम करते हैं? एक कंप्यूटर का काम करता है दुबई में, वो अभी छुट्टी में आया हुआ था। उसके बड़े भाई की शादी, तो उस शादी में वहाँ से उसे 2 महीने की छुट्टी मिली थी, यहाँ उसी टाइम में शादी रखी है, तो वो शादी में शरीक होने आया। कितने समय पहले दुबई से आया था यहाँ पे? 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई थी आपके घर में जब वो आपके लड़के रहते, कुछ बातचीत हुई थी कि किस तरह का प्लान चल रहा हो? नहीं नहीं नहीं, आप हमारी शक्ल देख के अंदाजा लगा रहे हो कि हम ऐसे लोग होंगे। हमारे तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को देखो, सब हमारी जैसे मिलेंगे तुमको, दाढ़ी वाले। और यहाँ पूरे मतलब इसमें कम्प्लेक्स में आप पता करोगे तो कोई हमारे बारे में आपको बुराई नहीं बताएगा। पुलिस आकर उन तक कैसे पहुंची और मर्डर कनेक्शन कैसे जोड़ा, क्या लगता है? अब इस बारे में अपन तो नहीं जानते भाई, क्या हुआ कैसे। अब वो मतलब जैसे उसके बड़े भाई का पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उस नाते से हो सकता है उन्होंने इनको उठा लिया हो कि भाई इन्हें उठाओ तो फिर उनका पता लगेगा। बड़े भाई कौन है, क्या नाम है उनका? फरीद। वो क्या करते हैं? वो अभी कुछ नहीं करता। वो कहाँ कैसे गायब हुए? वो उसका एक दोस्त है अशफाक, वो भी यहीं रहता है, वो मेडिकल में काम करता है, डॉक्टरों को दवाएं देने जाता है। तो वो मेरे पास आया था, उसने कहा कि मुझे चंडीगढ़ जाना है एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो आप अपने लड़के को हमारे साथ भेज दो, हम दोनों जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। बस इतनी बात हमारी उसकी हुई, तो मैंने कहा चले जाओ। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक हमें कुछ नहीं पता लगा। तो अशफाक के साथ दोनों बेटे गए हैं आपके? दोनों नहीं, एक बेटा गया, एक बेटा। अशफाक भी आपके बेटा है? नहीं, वो उनका दोस्त है। वो दोस्त। पिता ने साथ में ये भी कहा कि फरीद पठान बेरोजगार है और वो अपने पड़ोस में रहने वाले अशफाक के साथ चंडीगढ़ जाने का बोल कर गया है, मगर उसके बाद वो कहां गया कुछ पता नहीं है। पिता खुर्शीद पठान ने खुलासा किया कि गिरफ्तार उनके बेटे सईद पठान की 2 नवंबर को बारात जानी है, शादी के कार्ड छप चुके हैं, जबकि उनका बेटा रशीद पठान 2 महीने पहले ही दुबई से सूरत आया था। अगर हमको जरा भी शंका होती तो हमारे सईद की अभी 2 तारीख को बारात जा रही है, जिसके कार्ड वार्ड सब छप चुके हैं। आज कितनी तारीख हो गई है आप बताओ, हमारे लिए कितनी परेशानी की बात है। बस बुक कर ली है, कार्ड दे दिए हैं, खाने वाले को पैसे दे दिए हैं, तो हमारे
अगर हमको जरा सा भी डाउट होता तो हम ऐसा होने देते? कुछ समझ में आ रहा आपके कि मान लो डाउट तो समझ में, कुछ समझ में आ रहा कि इनका कनेक्शन कैसे निकल रहा? नहीं 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 नहीं, ये हमारी हमारी अकल से बाहर की बात। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपके बेटे इसमें किस तरह से शामिल हो गए हैं? हमारे बेटे किसी तरह भी शामिल नहीं है। 1% क्या 0.01% समझो, इतना भी नहीं है उनका कोई टच। शामिल न होने की कोई वजह आप बता सकते हैं? देखिए, आप उनको देखेंगे और हमें देखेंगे, सब दाढ़ी वाले मिलेंगे। ये नमाजी लोग हैं, हम पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पूरे कम्प्लेक्स से आप पता करेंगे, उनकी कहीं यारी दोस्ती, कहीं घूमना फिरना, इधर उधर बैठना, किसी से झगड़ा करना, ये काम ही नहीं है। तो अब ऐसे बच्चों के बारे में कोई अंदाज़ा लगाया कि वो इस तरह के काम में शरीक होंगे? और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे रशीद की माँ की तबीयत ख़राब, वो 2 महीने उसे वहाँ से आए हुए हुए हैं, दिन भर वो घर में काम में लगा रहता, जाता नहीं है, माँ का हाथ बटाता है, क्योंकि घर में उसकी माँ के अलावा काम करने वाला कोई नहीं। इसलिए अब ये शादी हो जाएगी तो लड़की आ जाएगी तो फिर काम करने की ऐसा नहीं होगा, बस इसके अलावा तो कोई बात नहीं। 24 घंटे के भीतर ही गुजरात पुलिस ने के लिए एक बड़ी कामयाबी भी कही जाएगी, क्योंकि पूरी मामले की जांच, जो एक मिठाई का डिब्बा मिला था जिसको सूरत से आया था, वो सूरत का जो मिठाई का डिब्बा था उसी के आधार पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, और ख़ास तौर पर जो मोबाइल डेटा नेटवर्क मिला था उसके आधार पर ये पूरे मामले की जाँच हुई है। अभी इन सभी आरोपियों को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद।